हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। खबर है, जावेडकर राज्यसभा के नैतिक समिति के प्रमुख बन गए हैं। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कई समितियों का पुनर्गठन किया है और उसके अध्यक्षों की नियुक्ति भी की है। इन समितियों में आचार समिति, आवास समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, संसदीय समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति शामिल है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आचार या नैतिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा की आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करने के लिए किया गया था। इसके अलावा इसके कार्यों में राज्यसभा के सदस्यों के आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना भी शामिल है। राज्यसभा के सभापति द्वारा समय समय पर बनाए गए नियम इस पर लागू होते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को आचार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। समिति के अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रकार की समितियाँ होती हैं, स्थायी समिति एवं तदर्थ समिति। स्थायी समितियों की बात करें तो ये समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं और इनका कार्य अनावरत प्रकृति का होता है, जैसे लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति आदि। वहीं तदर्थ समितियों का गठन प्रयोजन विशेष के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने के पश्चात इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में इन समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है।